लोकसभा चुनाव में मात्र 3 या 4 दिन शेष हैं और जगदीश जिंदल जी लगातार आपको बता देंगे नवीन जिंदल के बड़े भाई लगातार नवीन जिंदल के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज गांव रोहेड़िया में पहुंचे हैं, तो इनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं कि चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या कुछ इनके विचार हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो 2-4 दिन रह गए चुनाव में जी, किस तरह का चुनाव प्रचार रहा और कहाँ कहाँ जा रहे हैं? अभी जहाँ जहाँ गांवों में ज्यादा फोकस गांवों में जा रहे हैं, नवीन जी भी हर जगह जा रहे हैं, हम लोग भी गांव में आज रेड़िया गांव में आए हैं, तो इतना लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है नवीन जी को। हर आदमी नवीन जी को वोट डालना चाहता है, नवीन जिंदल को वोट डालना चाहता है, अभी वो बने नेता बने और लोकसभा में जा करके हमारे लिए जो काम हो सकता है गाँव के लिए काम करें। तो नवीन जी के मन में ये है, मैं आज गरीब परिवारों की गाँवों की जो भी है ज्यादा से ज्यादा मदद करके और स्कूल खोलना, मेडिकल के लिए जो भी हेल्प होगी मेडिकल की हेल्प करना और भी दूसरे जो विकास के कार्य हैं वो करना चाहते हैं गाँव के। और बड़ा अच्छा सपोर्ट्स मिल रहा है, बहुत बढ़िया लोगों की तरफ से। लोग कहते हैं 90 से 95% तक हम वोट डालेंगे और आज रेड़िया गाँव में तो जो समाज के लोग सब समाज के लोग हमारे साथ बैठे हैं और सब ने ये कहा अभी 90% वोट नवीन जिंदल के लिए ही है, तो उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं और आह्वान करता हूं आने वाले दिन 25 तारीख को शनिवार को हर आदमी नवीन जिंदल के पक्ष में वोट करेगा, क्योंकि नवीन जिंदल हर काम करने में सक्षम है। जो भी उनके ध्यान में लाया जाएगा, जो उनको बताया जाएगा, वो सारे काम जो जनता के लिए भले के लिए होंगे वो काम करेंगे। तो नवीन जी का लोग काफी वेट कर रहे हैं कई गांवों में भी, वार्डों में, मोहल्लों में, और नवीन जिंदल जी जहां नहीं पहुंच पाए उनके लिए क्या कुछ? जो नवीन जिंदल जी वैसे कोशिश करते हैं सवेरे 7-8 बजे वो निकल लेते हैं, गांवों में भी जा रहे हैं, मोहल्लों में भी जा रहे हैं, बड़े शहरों में भी जा रहे हैं, सब जगह जाते हैं। लेकिन और उनके पूरे परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके भाई बहन सब लगे हुए हैं, जो जहां नवीन जिंदल नहीं जा सकते हैं वहां पे हम लोग, मैं भी पूरी अपनी आप टीम के साथ सब परिवार के साथ सब लोग जा रहे हैं और उन लोगों से अपील करते हैं भाई वो अपने आप को नवीन जिंदल समझ के भाजपा को वोट दें, कमल के ऊपर वोट दें, यही हमारी अपील है। तो नवीन जिंदल का थोड़ा मिशन और विजन समझा दीजिए। नवीन जिंदल का मिशन ये है, कोई भी यहाँ बच्चा पढ़ करके 10+2 कर लिया या कोई और स्किल्ड पढ़ाई कर ली तो उसको अच्छी नौकरी मिले, नौकरी नहीं तो अपना रोजगार जरूर मिले, तो उस रोजगार के लिए वो टेक्निकल यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोलने का उनका प्रावधान है कैथल और कुरुक्षेत्र में, जो के बच्चे यहाँ से पढ़ के विदेश जाना चाहते हैं लेकिन पैसा इतना लगता है वो अपना बच्चे बेचारे मन महसूस के रह जाते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे नवीन जी अपनी यहाँ यूनिवर्सिटी लगा देंगे, पढ़ाई का और स्किल्ड आदमी जो है वो आराम से विदेश जा सकेगा और वहां के विदेशों से वो टाई अप रहेगी ये कंपनी यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है और आसानी से वो जा सकते हैं, कोई उनका पैसा नहीं लगेगा। तो आप नवीन जिंदल जी के बड़े भाई हो और बड़े भाई पर ज्यादा जिम्मेदारी रहती है, तो क्या कुछ अपील? पूरे परिवार के ऊपर नवीन जिंदल की जिम्मेवारी और नवीन जिंदल जी ने पूरे परिवार की जिम्मेवारी भी ले रखी है, तो इसमें सब मिलजुल के और सारा सबका बराबर सहयोग रहता है जी। नवीन जी आप बताइए किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है, जैसे आप तो साथ ही रहते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। चुनाव प्रचार बहुत जोरों पे है और सुबह आपके सामने 7:30 बजे हम यहाँ रेड़िया गांव में आ गए हैं, तो गांव टू गांव हम जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि लोग वोट के लिए तो कह ही नहीं रहे, वो कहते जी ये तो हमारी जिम्मेवारी है, तो लोगों का प्यार भरपूर मिल रहा है और पूरा चुनाव जोरों पे है। जहाँ जहाँ नवीन जी कोशिश करते हैं कि नवीन जी जाएं, वरना नवीन जी की वाइफ, माता जी, भाई, रिश्तेदार, दोस्त, बेटा, बहने, सभी लोग लगे हुए हैं कि लोगों को एक एक व्यक्ति को मिलके जाया जाए। बाई चांस हम किसी व्यक्ति को नहीं भी मिल सके, ये जो नवीन जी ने बोला है ये चुनाव के लिए नहीं बोला, ये चुनाव आएगा जाएगा। नवीन जी का मुख्य उद्देश्य है कि एक एक व्यक्ति से जुड़ के इस कुरुक्षेत्र को पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा कुरुक्षेत्र बनाया जाए, यहाँ के लोगों की सारी समस्याएं दूर की जाएं, यहाँ का दुख सुख वो बांट सके। वो कहते हैं कि भगवान की दया से मेरे पास सब चीज है देने के लिए, मैं ताकि लोगों के, ओपी जिंदल जी का एक सपना था, मैं ओपी जिंदल जी के साथ भी रहा कि मैं, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है,
मैं लोगों के संपर्क में आ सकूं और लोगों की सब समस्याएं दूर कर सकूं। मानव सेवा ही वो कहते सबसे बड़ी सेवा है, उसी उद्देश्य को लेकर नवीन जी चले हैं और चुनाव प्रचार में हम लगे हुए हैं।